Hi everyone, you are watching Storytime with Ananya, so hope you are all good, doing great. So today in this video, we are going to learn large circles for SV, SS and SZ. लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल सर्कल्स पढ़े थे स्ट्रोक एस और जेड के लिए. लार्ज सर्कल्स यूज़ होता है जब स्व की साउंड आए एस डब्ल्यू, जैसे कि स्विम स्वैंग ऐसे वर्ड्स में, एस एस आए जहाँ पे और एस जेड आए, उनके लिए हम लार्ज सर्कल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एस व स्व के साथ एस डब्ल्यू जहाँ पे आए. एस डब्ल्यू जब आएगा तो कैसे आएगा, सपोज स्वीट वर्ड है, स्टार्टिंग में ही आ रहा है, इनिशियल है स्वीट. देखते हैं, हम लार्ज सर्कल बनेगा तो हम सर्कल लार्ज ही बनाएंगे. स्वीट ऐसे बनेगा, वॉवल थर्ड प्लेस पे है तो स्वीट. ठीक है, जैसे कि स्वम हो गया, स्वम में भी स्व एस डब्ल्यू आ रहा है, लार्ज सर्कल बनेगा. सेकंड प्लेस लाइट डैश वॉवल है, मच वाला तो स्वम. ठीक है, और अगर कुछ वर्ड्स में आए जैसे कि स्वे, एस डब्ल्यू ए वाई आर वॉवल है बीच में, उसके बाद फिर डब्ल्यू बनाना है आपको. कैसे लिखेंगे आप एस डब्ल्यू के साथ, तो जब ऐसे वर्ड आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू के अंदर ही एस ऐड कर देंगे. जैसे कि स्वेसिव, वी डार्क सेकेंड प्लेस वॉवल स्वेसिव. अब एस एस सर्कल देखते हैं. एस एस सर्कल नेक्स्ट, एस एस सर्कल आता है मीडियली और फाइनली. एस एस सर्कल मीडियल और फाइनली. ओके, जैसे कि एस एस नेसेसिटी, नेसेसिटी में एस एस कंबाइंड आ रहा है बीच में, कैसे लिखेंगे हम नेसेसिटी, लार्ज सर्कल नेसेसिटी. जैसे कि पासेस हो गया, एस ई एस आ रहा है ना बीच में, जब भी एस ई एस आए तो मतलब एस एस का लार्ज सर्कल है और हम लार्ज सर्कल ही बनाएंगे. छोटा बना देंगे तो हमें लगेगा कि हमने स्ट्रोक एस या जेड के लिए बनाया है. पासेस लार्ज सर्कल लाइट डॉट वॉवल पासेस. और जैसे कि अगर एस एस के बीच में वॉवल आ जाता है, जैसे कि एग्जिस्ट जिस्ट एस ई एस, तो आप कैसे लिखेंगे उसे. सबसे पहले एग लार्ज सर्कल एग एग्जिस्ट, उसके अंदर वॉवल लगा देंगे. ओके, एग्जिस्ट. नेक्स्ट देखते हैं एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट भी वैसे ही बनेगा, बस डार्क डैश वॉवल है, लार्ज सर्कल एग्जॉस्ट. जैसे कि पोसेसिव हो गया, पोसेसिव पोसेसिव. कॉजेज हो गया, कॉजेज में फर्स्ट ऑल वाली साउंड है इसलिए आउटलाइन फर्स्ट प्लेस पे बनाइए, डार्क डैश वॉवल है. अब जब अभी तो हमने बात की एस एस सर्कल की, इसमें सिर्फ डबल एस सर्कल आ रहा है इसलिए हमने लार्ज सर्कल बनाया. सपोज अगर वर्ड आ जाए एक्सरसाइज, तो हम उसे कैसे बनाएंगे, एक्सरसाइज राइट, इधर अंदर डिप्थांग लगेगा, एक्सरसाइज. और यही मैं अगर एक्सरसाइजेस कर दूं तो उसके लिए हम उसी में एक और सर्कल ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, तो वो हो जाएगा एक्सरसाइजेस. ओके, मिस स्पेल कैसे लिखेंगे आप, अगर मिस स्पेल आ जाए, जैसे कि टू एसेस कॉन्सिक्यूटिव सिलेबल्स में आ रही है, मिस स्पेल
अब ये तो हो गई हमारी बात ऐसे सर्कल की। अब जब यहाँ प्लूरल्स की बात हो, जैसे कि वर्ड्स हो गए लूसी, पॉलिसी, जेलिसी, मतलब इससे पहले कुछ कर्व स्ट्रोक्स आ रहे हैं और वो हैंड के मोशन में भी हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पॉलिसी लिखना है और PLS, तो आप इसे पढ़ नहीं पाओगे कि एग्जैक्ट वर्ड है क्या। सो जब प्लूरल्स आए इस तरीके से तो हम पूरा इस सर्कल ही बनाएंगे, स्ट्रोक ही बनाएंगे, सर्कल नहीं रखेंगे। पॉलिसी, पॉलिसी, ओके। जैसे कि लूसी हो गया, लूसी, लूसी नाउन था तो हमने नीचे दो लाइंस लगा दी आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि जेलेसी, जे ले सी, जेलेसी, जेलेसी। और देखते हैं जैसे कि पॉलिसीज हो गया, पॉलिसीज। अगर इसके बाद दोबारा से ऐसा आ जाए तो हम ट्राई कर सकते हैं कि उसके साथ एक एस सर्कल जोड़ दें, पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब हमारा कभी लास्ट में ऐसा आता है, कभी ऐसा होता है कि सेम आउटलाइन आ रही है, तो हम आउटलाइन डिस्टिंग कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि सेम वर्ड है या कोई अलग वर्ड है। तो उसके लिए भी कुछ आउटलाइंस देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा पोसेसेस, पोसेसेस में पहले एस बनेगा, उसके बाद स्ट्रोक एस बनेगा। वॉवल देखते हैं, पोसेसेस। और अगर पॉजेज आ जाए तो लार्ज सर्कल ही बनेगा, PAUSES, पॉजेस। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही एसेस, एसेस, बट एक्सेस, एक्सेस में लार्ज सर्कल ही बनेगा। वॉल इसके अंदर एक्सेस। ऐसे ही रिसेस, रिसेस, बट रेसेस। ओके, सो ये थे हमारे लार्ज सर्कल्स, SW के लिए, SS के लिए और SZ के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्रेजियोग्राफी पे, उससे पहले हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही। वो वीडियो मैं कंबाइन करके बनाऊंगी क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी दो पार्ट शॉर्ट फॉर्म्स के मैंने डाल दिए हैं। तब तक आपके लार्ज सर्कल प्रैक्टिस कीजिए, स्मॉल सर्कल प्रैक्टिस कीजिए, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो व्हेन आई विल कम ऑनलाइन यू विल गेट नोटिफिकेशन। ओके, बाय बाय।